नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लिविंग में। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी प्लांट के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, न ही मैं किसी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के बारे में बात करूंगी। आज मैं प्लांट की हेल्थ के बारे में बात करूंगी। और हेल्दी रखने के लिए दोस्तों मैं क्या करती हूँ, मैं आज आपको वो बताऊंगी। और जैसा कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो रेनी सीजन में मैं अपने प्लांट्स की देखभाल में एक चीज और करती हूँ, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये पहले मैं आपको ये अपने ये थोड़े से पर्सलेन दिखा रही हूँ। बस ये सुबह सुबह का टाइम है और ये खिलने वाले हैं। और हमारे यहाँ बरसात अच्छी हो रही है, कल भी हुई थी और आज भी हुई है, तो इस तरीके से बहुत अच्छी यहाँ बारिश हो रही है। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है कि जब हम गमलों में कंटेनर गार्डनिंग में हमारे बराबर पानी पड़ता रहता है कंटेनर में, तो उसमें बराबर पानी पड़ते रहने से भाई होल उसमें इतने नहीं होते हैं, नीचे जो है कई बार कंकड़ वंकड़ पहुँचते पहुँचते वो मिट्टी एकदम इतना नहीं होता है कि बहुत सारा पानी निकल जाए। फिर ये यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये जमने से लगता है। मैंने आपको कुछ प्लांट्स ऐसे रोक के हुए हैं, मैंने गुड़ाई नहीं की, मैं आपको दिखा सकूं। जैसे ये देखिए, ये मेरा अलमंडा का प्लांट है, मैंने अभी लगाया है, उसका मैंने वीडियो बनाया था। तो ये देखिए आप इस तरीके से, और अभी बनाया है, बिल्कुल ज्यादा पुराना प्लांट नहीं है ये, हो गया होगा 20 दिन हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जब आप गुड़ाई कर दिया करिए, और साइड मतलब साइड से करिए, जो आपका प्लांट है उसकी जो रूट है, जहां पे रूट बॉल है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, धीरे धीरे करिए, रूट्स को कोई नुकसान बीच में नहीं पहुंचे, साइड से आप इस तरीके से धीमे धीमे से इसकी गुड़ाई कर दिया करिए। गुड़ाई गुड़ाई जो है वो, उससे क्या होता है हमारे कंटेनर गार्डनिंग में ऊपर से इस तरीके से कोई परत नहीं बनती। तो जब ये परत, अभी तो देखिए हमारे यहाँ बारिश हुई है जब, तो ये मिट्टी आपको एकदम गीली गीली लग रही है, ठीक है। अभी ये क्या होगा, कहाँ धूप निकलेगी, एक कुछ घंटे भी नहीं होंगे, 3-4 घंटे में एकदम ये सूखी सूखी सी ऊपर से लगेगी, और अंदर तक नीचे पानी नहीं सूखा होगा, मिट्टी नीचे की नहीं सूखी होगी। और नीचे की सूखती रही है, फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पानी डाल देते हैं, हमको ऊपर से लगता है कि ये सूख गई है, उससे प्लांट जरूर मरता है और सारी के सारे ये रूट्स जो है वो सड़ जाती हैं। तो आप जब गुड़ाई करते रहते हैं, तो एक तो ये पता चल जाता है कि अंदर नमी है, हमारे सारे जो जितने भी पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको मॉइस्चर चाहिए होता है, उनको एकदम ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, बहुत ज्यादा, इससे भी मर जाते हैं, ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि आप जो भी जैसे कि वीड्स होते हैं, घास फूस ये सब चीजें होती है ना, वो नहीं होती है। जब भी हम गुड़ाई करते रहेंगे, आप हफ्ते में 7-8 दिन में एक बार आप जरूर कर दीजिए, तो घास फूस ये सब नहीं होती है। ये देखिए, मैंने इसको भी छोड़ा हुआ था मैं आपको दिखाने के लिए, इस तरीके से काई से जम जाती है, स्पेशली बरसात में तो बहुत ही ज्यादा, तो इस तरीके से घास फूस नहीं होती है। देखिए, जो भी घास फूस वीड्स होते हैं, वो हम अपने जो भी मेरे कंटेनर में वो होते हैं ना, जो हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, उसी से वो भी वही खा पी के वो भी बढ़ रहे होते हैं, तो वीड्स नहीं होते हैं, और हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी होते हैं, रूट्स को भी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, अंदर तक हवा ठीक से जाती है, अब सनलाइट निकलेगी, जब धूप निकलेगी तो धूप भी पहुंचेगी, इससे हमारा जो है ना रूट्स भी अच्छे से बिल्कुल हेल्दी रहती हैं। तो बस यही बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं, जिससे आपके प्लांट ना मरे, बहुत वाटरिंग से मरते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो है वो केवल ओवर वाटरिंग की ही वजह से मरते हैं। तो एक तो यही छोटी सी चीज हो गई। और देखिए दोस्तों, ये प्लांट मेरा हिबिस्कस का बिल्कुल मरने वाला था, और अब ये ठीक ठाक बिल्कुल सही से खड़ा है, थोड़े दिन बाद इसमें ब्लूमिंग होगी। अच्छा, और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहती हूँ, जैसा कि दोस्तों बरसात का मौसम है और हम लोग
पानी बचाएं, खूब हार्वेस्ट मतलब उसको रखें, बकेट में रखें, भर के रखें और उसको यूज करें, चाहे अपने गार्डनिंग में करें चाहे वो किसी और काम में। लेकिन अगर हम बकेट में भर के रख रहे हैं और अगर हमें यूज नहीं करना है इस बकेट के पानी को, बराबर यहाँ भरा रखा रहेगा इस तरीके से, तो फिर क्या होगा? मलेरिया, डेंगू, सबके मच्छर हमारे यहाँ ऐसे होंगे। तो जितने भी टूटे फूटे गमले हों, इस तरीके की जो भी हमारे गार्डन में यूज करने वाली चीजें हों, सबको या तो आप पलट करके रख दीजिए, टूटे हुए गमले तो रखिए ही नहीं। तो इस तरीके से, हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि आपके साथ मैं शेयर कर दूं। सभी हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, तभी तो हम लोग अच्छी अच्छी गार्डनिंग करेंगे। अगर बीमार हो जाएंगे तो कहाँ से करेंगे? तो हम लोग अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, और कम से कम अपने क्षेत्र में जहां हम लोग काम कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ बीमारियां नहीं होंगी। आप यूज कर रहे हैं, खूब करिए। रेन वाटर बहुत अच्छा होता है, बचा के रखिए, लेकिन ऐसे जमा ना हो पानी कहीं भी। तो बस यही मुझे छोटी सी आपसे बात करनी थी। और ये मेरा मधुमालती का प्लांट अभी मैंने लगाया है, खूब बढ़िया ग्रो कर रहा है, और इतनी देर में देखिए ये फूल भी खिल गए। अभी शुरू किया था जब मैंने वीडियो, तो बस ये खिलने वाले थे। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। चलिए, बाय, थैंक यू।